goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। जो उम्मीदवार थे वो बैठे, जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है वो बैठे और सब मिलकर इस पर विचार करें, चिंतन करें, मंथन करें कि आखिर क्या वजह है कि हमको इतनी कम कामयाबी हुई है, इसके हमको इतने कम सीट प्राप्त हुए। हमें याद है कि 2015 में हम 41 सीटों पर चुनाव लड़े थे और लगभग 27 हमारे विधायक जीत कर आए और इस बार 70 जगहों पर हम चुनाव लड़े हैं और हमारे हमारी संख्या मात्र 19 है। तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कारण होगा तो इस पर पार्टी को विचार करना चाहिए। तो हम लोग बैठेंगे और बैठकर आपस में इस पर चिंतन करेंगे और जो भी हम लोगों को लोगों की जो राय होगी, जो प्राप्त होगी, उससे हम लोग आला कमान को अवगत कराएंगे। जो हमारी पार्टी एक नेशनल पार्टी है और जाहिर है कि हम लोग अपनी बात आला कमान तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिर अधिकार आला कमान को है, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष को है, ये खतरे की बात है। हम तो पहले भी कहते थे कि MIM जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो जितना मजबूत होगी, जितना उसका फैलाव होगा, उतना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अगर आज अगर MIM का स्वागत कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिक्के के दो रुख हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है तो एक तरफ MIM है या ऐसी जमाते हैं, एक हिंदू कट्टरपंथी तैयार करने का काम कर रहा है तो एक मुस्लिम कट्टरपंथी तैयार करने का काम कर रहा है। हम इन दोनों के विरुद्ध में हैं और इन दोनों से लड़ाई लड़ेंगे। goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे